वेलकम स्टूडेंट्स, जो लास्ट के क्लास थे उसमें हमने देखा था कि डायमेंशंस किस तरह से फाइंड करने के हैं और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए थे कि हाउ टू फाइंड डायमेंशंस, इट्स एम केस एंड सीजियस यूनिट्स। ओके, सो इन टूडेज क्लास वी आर से लुकिंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस। ओके, सो फर्स्ट इज अ परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी दैट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो इन कूलम्स लॉ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वेयर, वेर एप्सिलॉन जीरो इज अ नोन एज परमिटिविटी। सो वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द फॉर्मूला फॉर इट। सो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, सो आई विल राइट दिस क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई, ये जो ए एफ है यहाँ पे आ जाएगा ए एफ इंटू आर स्क्वेयर। सो बेसिकली ये जो 4 पाई है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके लिए तो डायमेंशन नहीं होते हैं। क्यू वन चार्ज के लिए डायमेंशन है आई वन टी वन, फॉर क्यू टू वी हैव I1 T1। ओके, एफ के लिए जो डायमेंशन है दैट इज L1 M1 T-2 एंड आर स्क्वेयर के लिए L2। सो नाउ ये जो I1 I1 है ये हो जाएगा I2, ये T1 T1 ये हो जाएगा T2, ये -T2 ऊपर जाने के बाद +T2 हो जाएगा, ये 1 + 2 ये 3 हो गया, ऊपर जाने के बाद L-3 हो जाएगा, ये जो M1 है ये ऊपर जाने के बाद M-1 हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट I का पावर 2 है, ये T2 T2 ये हो जाएगा T4। ओके, एंड दिस L-3 दिस विल बी L-3 एंड दिस इज M-1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर एप्सिलॉन जीरो दैट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी के लिए ये डायमेंशन हमें मिले हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट डायमेंशन सो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अभी ये जो था कूलम्स लॉ से हमने परमिटिविटी के डायमेंशन फाइंड किए थे, अभी हम जो कैपिटल जी है विच कम्स इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दैट इज कैपिटल जी, उसके लिए अभी हम डायमेंशन निकालेंगे। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वेयर, वेयर कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। सो फॉर जी वी कैन राइट एफ आर स्क्वेयर अपॉन M1 M2। सो वॉट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स दैट इज L1 M1 T-2, आर स्क्वेयर के लिए क्या है L2 है, M1 M2 बोथ आर मासेस, सो फॉर दिस वी हैव टू राइट M1 एंड M1। ओके, सो नाउ यू कैन राइट हियर ये L3 हो जाएगा, ये M1 है, ये T-2 है, ये M1 M1 हो जाएगा M2। सो फ्रॉम दिस आई विल राइट L3 M1 T-2, ये M2 ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगा। ओके, सो आई विल राइट L3 ये +1 -2 M-1 एंड दिस इज T-2, सो दैट इज कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नंबर थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
दैट इज डिनोटेड बाय ईटा. ओके, सो जो विस्कस फोर्स है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट विच इज डी वी अपॉन डी एक्स. तो यहाँ पे जब हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो क्या होता है, ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. सो फ्रॉम दिस ईटा इज इक्वल टू यफ अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. सो नाउ यू हैव टू पुट द डायमेंशंस फॉर एफ. क्या है एफ के डायमेंशन, दैट इज एल वन एम वन टी माइनस टू. एरिया के लिए क्या है, एल टू. डी वी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पे एल वन टी माइनस वन. एंड डी एक्स इज अ चेंज इन लेंथ और लेंथ. सो फ्रॉम दिस यू कैन कैंसल दिस एल वन एंड एल वन. सो वी हैव एल वन एम वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल टू एंड टी माइनस वन. ये ऊपर जाने के बाद एल क्या हो जाएगा, माइनस टू. एल वन एम वन टी माइनस टू, एल माइनस टू एंड टी वन. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट प्लस वन माइनस टू, दिस विल बी एल माइनस वन, दिस इज एम वन, माइनस टू प्लस वन, दिस विल बी टी माइनस वन. ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. ओके, सो ये जो डायमेंशंस हम देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट लेट्स सी द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. ओके, सरफेस टेंशन, टू फाइंड द डायमेंशन वी हैव टू बाहर द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला मालूम ही होना चाहिए आपको, फोर्स बाय लेंथ, देर इज नो अदर वे. विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट फाइंड डायमेंशन. सो फर्स्ट कंडीशन टू फाइंड द डायमेंशन इज टू नो द फॉर्मूला. सो एफ बाय एल है. सो वट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज एल वन एम वन टी माइनस टू, एंड फॉर लेंथ दैट इज एल वन. सो इट विल बी एल जीरो एम वन टी माइनस टू. ओके, ये माइनस टू है. सो एल जीरो एम वन टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन.